नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल। इस साल हुआ लोकसभा चुनाव, याद है आपको, जब भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता रही थी। उनके इस बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। हालात ये हो गए कि उन्हें इस मुद्दे पर तुरंत माफी भी मांगनी पड़ी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि भले ही उन्होंने इस मुद्दे पर माफी मांग ली हो, लेकिन वह उन्हें अपने मन से कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। पीएम के इस बयान के बाद लगा था कि राजनीति में सुचिता की बात करने वाली पार्टी में अभी भी कुछ बाकी है जो उसे और पार्टियों से अलग कर रही है। लेकिन आज उसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी का सदस्य बनाया गया है, तो वो भ्रम भी टूट गया। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ने इस बार भोपाल से बड़ी जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में उनके कई बयानों पर विवाद भी हुआ था। डिफेंस मामलों के इस कमेटी में कुल 21 सदस्य, इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम है। कमेटी में चेयरमैन राजनाथ सिंह के अलावा फारूक अब्दुल्ला, ए राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, राकेश सिंह, शरद पवार, जेपी नड्डा आदि सदस्य शामिल है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय बनाए जाने पर विपक्ष के लोगों ने बीजेपी पर तंज कसा, साथ ही इसका विरोध भी किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था, तभी से उनके बयान सुर्खियों में बने रहे। फिर चाहे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना हो, या फिर विपक्षी नेताओं पर भाजपा नेताओं के ऊपर मारक शक्ति का इस्तेमाल किए जाने वाला वक्तत्व हो, कई बार प्रज्ञा विवादों में रही हैं। हर बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके बयान पर सफाई दी जाती है और उन्हें चेतावनी भी दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने हेमंत करकरे को लेकर भी विवाद बयान दिया था। इसी के बाद बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा को विवादित बयान पर कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था और अनुशासनात्मक कमेटी को मामला सौंपा गया था। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 में मालेगांव विस्फोटक मामले में आरोपी हैं और जमानत पर अभी वो बाहर है। लेकिन अभी भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक एक्ट के तहत मामलों में मुकदमा चल रहा है। इतने सारे आरोपों के बाद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय कमेटी का सदस्य बनाना कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी ने अब उन्हें दिल से माफ कर दिया है? पार्टी विद द डिफरेंस की टैगलाइन वाली पार्टी को जब सोचना पड़ेगा कि अब वह कितने डिफरेंट में रह गई है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।